ये बात तो आप लोग जानती हो कि बॉलीवुड के रियल ही मैन यानी कि भाई सनी पाजी की फिल्म गदर के पार्ट टू को और उसके बाद भैया बॉलीवुड के रियल खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड के पार्ट टू को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 4 दिन हो चुके हैं और भाई इन दोनों फिल्मों का कल बॉक्स ऑफिस पर 5वां दिन है। तो भाई 5वां दिन इन दोनों फिल्मों के लिए कैसा रहेगा? बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों फिल्मों को 5वें दिन के लिए अब तक कितने का एडवांस बुकिंग मिल चुका है, ये सारी जानकारियां मैं आपके सामने रखूंगा इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों मैं गदर के पार्ट टू को लेकर और ओ माई गॉड के पार्ट टू को लेकर अगर आप लोगों से ये बात कहूँ कि भैया ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, दोनों फिल्मों को ऑडियंस का बहुत ही ज़बरदस्त प्यार मिल रहा है और भाई जब कल पूरा देश इंडिपेंडेंस डे की खुशी में झूम रहा होगा, स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तो भाई जब छुट्टी वाला दिन होगा तो भैया इन दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कलेक्शन मिलना लाजमी है, ये बात आप खुद ही मुझसे कहोगे तो ये बात आप समझ ही सकते हो कि भैया इन दोनों फिल्मों को 5वें दिन के लिए बहुत ही शानदार एडवांस बुकिंग मिला होगा। तो भाई अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका सोचना बिल्कुल सही है मेरे भाई, यानी कि भैया इन दोनों फिल्मों को लेकर बहुत ही शानदार रिपोर्ट निकल के आई है भैया एडवांस बुकिंग की गलियारों से, यानी कि भैया कल पूरे देश का माहौल ऐसा रहने वाला है कि लोग सिनेमा घरों में पहुंचेंगे इस उम्मीद से कि भैया एडवांस बुकिंग में टिकट नहीं मिला तो भाई हो सकता है कि सिनेमा घरों के बाहर में 10 का 20, 20 का 30, 30 का 40 करने वाले ब्लैकिए जो है वो खड़े होंगे टिकट लेकर के, आज ऑडियंस आएगी और हम टिकट ब्लैक करके गदर का क्रेज और बढ़ाएंगे। यानी कि भैया ऐसा चल रहा है, पटना में तो मैंने देखा कि भैया टिकट ब्लैक में बिक्री हो रहा है और भाई कल के सारे शो भैया दोनों फिल्मों के ऑलमोस्ट हाउसफुल है मेरे भाई। तो कल का माहौल सिनेमा घरों में बहुत ही शानदार रहने वाला है जिसकी वजह से भैया इन दोनों फिल्मों को बहुत ही ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग मिला भाई। यानी भैया ओ माय गॉड के पार्ट टू को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया 5वें दिन के लिए इस फिल्म के अभी तक 210,782 टिकट पूरे इंडिया में बेचे जा चुके हैं जिसकी मदद से ये फिल्म 6,01,12,713 का एडवांस बुकिंग हासिल कर चुकी है। और उसके सामने अगर हम लोग बात करें भैया गदर के पार्ट टू की तो भाई इसकी तो बात ही निराली है मेरे भाई। इस फिल्म को जिस तरह का एडवांस बुकिंग मिला है 5वें दिन के लिए वो हिस्टोरिक हिस्टोरिक एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड है मेरे भाई। यानी भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया कल के लिए इस फिल्म के 12,10,221 टिकट अभी तक पूरे इंडिया से बेचे जा चुके हैं जिसके माध्यम से ये फिल्म 26,85,10,331 का एडवांस बुकिंग 5वें दिन के लिए हासिल कर चुकी है मेरे भाई। और भाई इन दोनों फिल्मों को जिस तरह का कलेक्शन मिल रहा है उसको देखने के बाद हम तो यही बात कहेंगे कि भैया दोनों फिल्मों का जलवा इस वक्त बहुत ही भारी लेवल का है मेरे भाई बॉक्स ऑफिस के लिए। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भाई आप स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी कि भैया इंडिपेंडेंस डे के दिन कल इन दोनों फिल्मों में से किस फिल्म को पहले सिनेमाघरों में देखना चाहोगे? अगर इन दोनों फिल्मों को आपने नहीं देखा है तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।